उस भिखारी से जिसकी इनकम आज हम उनके मुंह से ही आपको बतवाएंगे कि वो कितना कमा लेते हैं। हाँ तो आप हमें ये बताएंगे, आप ये मैंने भीख मांगते हुए आपको देखा था, तो आप ये भिखारी का काम कब से कर रहे हैं? करीब 6 महीने से। 6 महीने से आप भीख ही मांगते हैं? कहाँ कहाँ पर, जैसे वृंदावन में आप हमें मिले थे, तो वृंदावन के अलावा कहीं दूसरी जगह पर भी जाते हैं या वहीं पर रहते हैं? नहीं, वृंदावन में इतना पैसा है कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है? मैंने बीटेक इंजीनियर हूँ। बीटेक इंजीनियरिंग कर रखी है आपने? बीटेक करने के बाद भी आप भीख मांगते हैं? सर ऐसा है कि हम यहाँ पे जॉब देखने आए थे, ढूंढने आए थे, तो जॉब ढूंढने के बाद तो हमको वही 6-7 हज़ार रुपये की सैलरी, तो जिस हम जहाँ रहते थे तो बगल वाले रूम में बंदे रहते थे, तो हम उन्हें देखते थे, तो देखने के बाद जब उन्होंने पूछा कि आप कैसे हैं, तो हमने कहा मैंने कहा यहाँ हम जॉब कर रहे हैं, तो बोले आप कितना कमा ले, तो मैंने 6-7 हज़ार रुपये। फिर हमने उनसे पूछा तो वो बोले हमसे कि मैंने आप क्या करते हो, तो उन्होंने नहीं बताया हमको, तो फिर हम कुछ दिन ज़्यादा दिन हुए, तो फिर उन्होंने बाद में पूछा, तो फिर उन्होंने बताया कि आप हमारे साथ आ जाइए, करीब महीने में आपको करीब 30-35 हज़ार महीने करीब मिल जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या काम है, तो बोले कुछ काम नहीं है, सिर्फ काम इतना है कि 1.5 घंटे का काम है बस, आपको हमारे साथ बैठना है। तो मैं पहली बार उनके साथ गया, तो मुझे उन्होंने करीब 5 या 7 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में उसी दिन दे दिए थे उन्होंने मुझे। तो अपने सरदार से मिलवाया उन्होंने, तो उन्होंने उससे मेरी नौकरी की बात की, तो जहाँ मैंने 15 दिन काम किया। रुकिए, यहाँ मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप उनके साथ गए थे, वो भिखारी थे, हाँ जी, तो नौकरी करने गए थे आप वहाँ पर या फिर भीख मांगने गए थे? नौकरी करने के बाद, नौकरी जब की तो उसमें 4-5 हज़ार उससे काम नहीं चल रहा था। नहीं, जैसे वहाँ भीख मांगने आप गए थे, तो वहाँ पर आपके जो भिखारियों के सरदार थे, उन्होंने आपको जॉब दिया था, यानी नौकरी दी थी उन्होंने आपको? हाँ, नौकरी दी थी। यानी आप भिखारियों के यहाँ नौकरी कर रहे थे? हाँ जी। तो वहाँ आपको एडवांस मिला था 5-7 हज़ार रुपये? जब मैं पहली बार उनके साथ गया, तो उन्होंने जब वो जो यानी कि जो धंधा आया था, यानी कि उनके हाथ में जो पैसे, हमारे पैसे हाथ में आए थे और उनके पैसे हाथ में आए थे, तो उन्होंने मिल बांट में बांट ली उस दिन, और दूसरे दिन सरदार से, अपने सरदार से मिलवाया उन्होंने। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, जैसे ये भिखारियों का यहाँ मथुरा वृंदावन में काफ़ी तांता लगा रहता है और काफ़ी पैसे ये लोग बांटते हैं लोगों में, भिखारियों में बांटा जाता है, तो ये पैसा जो भिखारियों को दिया जाता है उन्हीं के पास रहता है या उसमें से कहीं कोई और व्यक्ति लेता है? नहीं, इनका सरदार होता है जी, इनका सरदार होता है, उसके पास पैसा जाता है, उसी हिसाब से, यानी कि जैसे कि मान लो कि हम पे ज़्यादा 5-10 हज़ार रुपये हमने इनकम कमाया एक दिन में, तो उसी के हिसाब से वो हमें पैसा देता है। यानी जितना दिन भर में आप भीख मांगते हो, उसमें से आपके सरदार को पूरा पैसा जमा करना होता है, पूरा जमा करना, और उसके बाद जो आपका सरदार है वो उसमें से आपको पैसा देता है। देता है। अगर मान के चलो आप एक दिन में 10 हज़ार रुपए की भीख मांगते हैं, तो उसमें से आपको कितना मिल जाता है? 5 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार? उसमें से वो हमको 4-4.5 हज़ार रुपए लगभग दे देता है। यानी 10 हज़ार रुपए की अगर ये कमाई करते हैं एक दिन में भीख मांग कर, तो इनको इसमें से सिर्फ 4 हज़ार रुपए मिलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो भिखारियों के सरदार हैं, इन्हें आप कंपनी के मालिक बोल सकते हैं, क्योंकि मथुरा वृंदावन के अंदर भिखारियों की कंपनियां चलती हैं, तो यहाँ पर इन लोगों को जॉब दिया जाता है। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, अभी आप ये देख रहे होंगे इनका पूरा, मैं ड्रेसिंग सेंस आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए, एक प्रोफेशनल बंदा है, बीटेक किया हुआ है और यहाँ भीख मांगने का काम करता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ से? मैं आपको ये नहीं बताऊंगा सर, सॉरी, इसके लिए ये नहीं बता पाऊंगा, आप क्षमा करें। ये हमें ये बात नहीं बता रहे हैं कि ये कहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने इनको पकड़ लिया था और ये बहुत ही अच्छे बंदे मुझे लगे थे, तो मैंने इनको पूछा कि आप भीख क्यों मांगते हैं जब इतना अच्छा बॉडी आपको भगवान ने दिया हुआ है, और उसके बाद ये मेरे को बताने के लिए राजी हो गए, तो अपना एड्रेस नहीं बता रहे हैं ये कहाँ से आए, लेकिन जहाँ से भी आए होंगे ये यहाँ पर एक तरह से जॉब करते हैं भिखारियों का। तो मैं आपको ये भिखारियों की सच्चाई बताने वाला था कि यहाँ पर भीख का बिजनेस कितना बड़ा चलता है। तो अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपका अभी रिसेंटली में आप रोड पर जैसे भीख मांग रहे थे, उस दिन आप पैसे कलेक्ट कर रहे थे शायद मेरे से मिले थे, ये मेरे से जिस दिन मिले थे उस दिन कुछ भिखारियों से ये पैसे ले रहे थे, तो उस दिन मैंने इनको पकड़ लिया था कि मैंने तो आपको भीख मांगते देखा था, आज दूसरों से पैसे क्यों ले रहे हैं? तो इस वजह से मेरे जाल में थोड़ा सा फंस चुके हैं और मेरे को बताने के लिए राजी हो गए थे। तो अभी आपका कितना इनकम हो जाता है, महीने का या रोजीना? नहीं, आपका महीने का बताइए मुझे।
महीने का तो आप लगा लीजिए अंदाजा, यानी कि 4,500 रुपये, यानी कि पूरा अगर आप हम बताएं तो करीब करीब पड़ जाता है ये, यानी कि 70-75 हज़ार रुपये लगभग पड़ जाता है सब चीज़। 70-75 हज़ार रुपये, यानी सारी चीज़ें काट पीटने के बाद भी ये 70-75 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, जबकि इनकी इंजीनियरिंग की जॉब में इनको सिर्फ और सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये की जॉब मिलती थी। तो आप समझ सकते हैं एक भिखारी की इनकम क्या है, यानी अगर आप भीख देते हैं किसी को तो वो जरूरतमंद नहीं है, वो एक प्रोफेशनल भिखारी है, यानी उसका धंधा है, जॉब कर रहा है। और ये मथुरा वृंदावन के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर करोड़ों रुपये का ठेका उठता है भिखारियों का। यानी अगर किसी एक मंदिर की हम बात करें तो वहाँ पर जितने भी भिखारी लगते हैं उन सभी से फीस ली जाती है, वो जितना भी भीख मांगेंगे उसका लगभग 50% पैसा अपने ठेकेदार को देते हैं, तभी उनको वहाँ भीख मांगने दिया जाएगा, अदरवाइज भगा दिया जाएगा। तो आप इतना समझ लीजिए, अगर आप भिखारियों को भीख देते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप इस प्रोफेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी प्रोफेशन में बात आती है बच्चों के किडनैपिंग की, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चों के किडनैपिंग होते हैं उनको ये भिखारी लोग खरीद लेते हैं और उनको अच्छे खासे पैसे में बेचते हैं, और उनको लगाया जाता है फिर भीख मांगने के बिजनेस में। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मेरा यही उद्देश्य था कि जिससे आप लोगों के समझ में कोई चीज़ आ सके। अगर आपको दान ही देना है तो किसी अनाथ आश्रम में दीजिए, वृद्ध आश्रम में दीजिए, लेकिन भिखारियों को कोई दान नहीं देना है। आप ये अच्छे से समझ लीजिए, मंदिर में दान करना और भिखारियों को दान देना दोनों ही सबसे बड़े पाप के कार्य हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, हमारे मथुरा वृंदावन में मंदिर ही मंदिर हैं, और यहाँ के जितने भी पुजारी हैं सभी के सभी भ्रष्ट हैं, सभी के सभी बलात्कार करते हैं, सभी के सभी दारू मदरा गुटखा पान मसाले हर एक चीज़ का सेवन करते हैं, लेकिन जिस समय मंदिर में पहुँच जाते हैं शरीफ बन जाते हैं और आपके पैसे का यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि कोई भी भगवान कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगता है, तो आप अपने पैसे को खुद बर्बाद कर रहे हो। हमारा काम आपको बताने का था, हमने आपको बता दिया है। ये लाइव वीडियो चल रही है, ये मेरे साथ जो बंदा खड़ा हुआ है ये आप देख रहे होंगे पीछे, ये एक प्रोफेशनल